पर तारीख, तारीख पर तारीख डेट बढ़ते जा रहा है साहब, लेकिन मनीष का सबका इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बिहार का नाच करने वाले मनीष का सब सन ऑफ बिहार इस तरह से बिहार की सरकार इस तरह से अपना बदला चुकाएगी, हमें अंदाजा नहीं था साहब। लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम मनीष कश्यप करते थे। आप सभी को एक बड़ी खबर बता दें कि मनीष कश्यप को लेकर जिस तरह से खबरों में बताया जा रहा है कि जिस तरह से वकीलों द्वारा और जिस तरह से जजों द्वारा जो ऑर्डर दिया जा रहा है उस तारीख ही खाली बच रहा है, तारीख के सिवा और कुछ नहीं बच रहा है। समाचार का कहना है कि मनीष कश्यप का हर आंसू का कीमत चुकाना पड़ेगा वो बिहार सरकार को, जो बिहार सरकार कुप्ती जब्ती करवाए थे, वो बिहार सरकार पूरी तरह से इंजाम मनीष कश्यप के ऊपर डाले थे। तमिलनाडु सरकार के तो बाद में विरोध करेंगे, लेकिन सबसे बड़े अपने घरों को विरोध करेंगे जो घर में रहकर अपने लोगों को इस तरह से फंसाते हैं। हमने ऐसा कभी सरकार किसी राज में नहीं देखा है जो अपने राजों को इस तरह से लोगों को अपना कमियां छुपाने के लिए इस तरह से बदनाम कर दे। लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप पहला पत्रकार थे जो कहीं ना कहीं सभी नेताओं का पोल खोल देते थे, सभी नेताओं के लिए भ्रष्टाचार इंजीनियर के लिए रिलाई करते थे, वो किसी से नहीं डरने वाले, किसी ने लिए नहीं बिकने वाले, वो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के बात कर रहे हैं साहब। आखिर मनीष कश्यप को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर महिला हो पुरुष हो हर कोई समर्थक कर रहा है और कह रहा है कि मनीष कश्यप बहुत ही अच्छा पत्रकार है, यदि मनीष कश्यप अच्छा पत्रकार नहीं होता तो लोग इतना समर्थक सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते। लेकिन मानने वाले सरकार रहे तो न, लगातार समर्थक यात्रा निकाली गई, बिहार बंदी निकाली गई, लेकिन सरकार के पर कोई फर्क नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अपना बदला चुकाने के लिए मनीष कश्यप को बलि का बकरा समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग का टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप खुद दिन परेशान हो सकते हैं, उनको परेशान किया जाता है, उनको फैमिली को परेशान कर सकते हैं, लेकिन प्रजाजी जीत नहीं सकते हैं। कहें क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरह से जान चुकी है और यूपी बिहार झारखंड की जनता हिंदुस्तान का हर कोना से मनीष कश्यप का समर्थक मिल रहा है और कह रहा है कि मनीष कश्यप के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। आखिर क्यों, आखिर मनीष कश्यप की इतना निवान क्यों करना, आखिर मनीष कश्यप के साथ में इतना बड़ा गलती क्यों करना, आखिर एनएसए लगाना होगा तो बड़े बड़े अखबारों ने जो न्यूज चलाया था, बड़े बड़े लोगों ने न्यूज चलाया था सोशल मीडिया पर, उस लोगों को एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? क्या उनसे कमजोर थे, क्या उनसे बहुबली थे, क्या वो सरकार समझती है कि मनीष कश्यप सबसे ज्यादा बिहार की जानते जाने वाले पत्रकार कहलाते हैं, हिंदुस्तान में मनीष कश्यप का चर्चा है और सभी लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप को खाली तारीख पर तारीख ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि इससे जनता में आक्रोश होगा, जनता समझ जाएगी कि इस बिहार सरकार सही है और मनीष कश्यप गलत है। लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप का चाहने वाले लगातार सोशल मीडिया पर फिर से उतर चुके हैं, सोशल मीडिया पर लगातार जानकारी मनाया जा रहा है, लगातार सन ऑफ बिहार कहा जा रहा है और वो बिहार कहा जा रहा है जो बिहार सरकार को गर्व होना चाहिए, बिहार सरकार को पूरी तरह से गर्व होना चाहिए कि हमारे भी बिहार में ऐसा लाल है जो पूरी हिंदुस्तान में उसको चर्चा है। लेकिन हमारे बिहार सरकार पूरी तरह से मनीष कश्यप को जालों में फंसा चुके हैं, जिस तरह से नहीं कहा जाता है कि तारीख पर तारीख खाली डेट देते हैं इसके सिवा कुछ नहीं, बस उसी स्टाइल से मनीष कश्यप को कहा जा रहा है। लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप को लेकर जिस तरह से तमिलनाडु गए थे उस तरह से बिहार में अब लाने का कोशिश जो कर रहा था, लेकिन मनीष कश्यप को आया नहीं गया क्योंकि सुरक्षा बिहार सरकार नहीं दे रही है मनीष कश्यप पत्रकार के लिए। सीधे सीधे बोल दी कि मैं मनीष कश्यप को लिए कोई सुरक्षा नहीं दूंगा और जब तक बिहार सरकार सुरक्षा नहीं देंगे मनीष कश्यप के लिए, जब तक तमिलनाडु के सरकार नहीं भेजेगी मनीष कश्यप के बिहार, बेतिया कोर्ट में उनको सुनवाई होने वाला है। तो डेट पर डेट टालते ही जा रहा है, लेकिन इस डेट के बारे में क्या करते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, पेज को फॉलो करें।